नमस्कार, क्विक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि प्ले स्टोर पे विश लिस्ट का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है, तो इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन में प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो चलिए प्ले स्टोर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारा ऐप दिख जाएगा, एप्लीकेशन दिख जाएगा। कभी कभी होता है क्या है कि लोग जब अपना यहाँ पर प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं लेकिन उनको उस टाइम उनको टाइम नहीं रहता है, कोई काम रहता है, तो वो जल्दी से चले जाते हैं और बाद में वह उस ऐप का नाम भूल जाते हैं जिसके कारण वह उस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पाते हैं। या कभी कभी होता क्या है कि उनका इंटरनेट जो MB है वो ख़त्म होने वाला रहता है तो जिसके कारण उसको डाउनलोड नहीं कर पाते हैं, सोचते हैं कि इसको हम बाद में डाउनलोड करें और उस टाइम वो एप्लीकेशन का नाम भूल जाते हैं तो जिसके कारण उस ऐप को वो खोज भी नहीं पाते हैं। तो आपको इन सिचुएशन में क्या करना है कि आपको जो भी एप्लीकेशन का आपको डाउनलोड करना है या आप जिस भी रीजन से आप उसको डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तुरंत में, तो आपको उस ऐप पे क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर में आपको एक 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऐड टू विश लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ से जो ऐप है या आपके विश लिस्ट में ऐड हो जाएगा, तो आपको यहाँ से बैक करना है। अब आपको जब भी टाइम मिले इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो ऊपर में आइकन दिख रहा है, यहाँ पर आपका प्रोफाइल आइकन दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको लाइब्रेरी पे जाना है। जाने के बाद यहाँ पर आपको एक विश लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, अब आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जिस भी ऐप को यहाँ पर हम विश लिस्ट के यहाँ पर दिख रहा है, तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद अब यहाँ से आपको इंस्टॉल करना हो तो यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आपको क्या करना है कि इसको 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि रिमूव फ्रॉम विश लिस्ट पर क्लिक कर देना है, यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि प्ले स्टोर पे विश लिस्ट का ऑप्शन क्यों दिया गया है और इसको कैसे यूज करते हैं और इसे यूज करने से क्या क्या बेनिफिट है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।